Rashika, you should really reveal your YouTube income. Kisi ne pucha, you have a boyfriend but you hide with us. Are you doing any other job other than YouTube? Any new rishta for this year for you? Ek do to aa hi gaye honge. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृषिका. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. रिसेंटली मैंने क्यू एंड ए डाला था इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी, कम्युनिटी टैब पर भी, कि पूछ लो मेरे से जो आपको पूछना है, जो भी क्यूरियस सवाल होते हैं अपार्ट फ्रॉम रिव्यूज वो तो आप मेरे से मांगते ही रहते हो. बिकॉज आई एम गोना डू अ मोर लाइक अ गेट टू नो मी टैग. काफी टाइम से मैंने नहीं किया, काफी टाइम किया, इनफैक्ट मैंने 2-2.5 साल से नहीं किया. और जो भी न्यू फैमिली आई है वो काफी क्यूरियस रहती है. मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है कि आप क्या करते हो, आपकी जॉब क्या है, इसके अलावा आप क्या करते हो, और बहुत सारे क्वर्की क्वेश्चन है जो आप सबने पूछे हैं. सो मुझे लगे वीडियो बनाते हैं, साल की शुरुआत करते हैं मुझे जानने से. स्टार्टिंग विद द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, लिटरली मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना चाहिए, बिकॉज जो भी नए लोग आते हैं वो हमेशा ये पूछते हैं. सबसे पहले जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट आर यू डूइंग एनी अदर जॉब, आर यू डूइंग एनी अदर जॉब अदर देन यूट्यूब. सो अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं यूट्यूब फुल टाइम ही कर रही हूँ फिलहाल. बिकॉज यार बहुत टाइम टेकिंग होता है, मैंने इसको फुल टाइम जब से लिया है ना, ऑब्वियसली मैं कैंपेन्स भी उस हिसाब से ले रही हूँ, मुझे अपनी इनकम भी यहाँ से निकालनी है, एंड इट इज एक्चुअली टाइम टेकिंग. अगर जो लोग 9 to 6 की जॉब के अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब कर रहे हैं, वो एक्सेल कर रहे हैं ना यूट्यूब में, हैट्स ऑफ टू देम. बिकॉज ये इजी नहीं है जॉब, बिकॉज ये फ्रीलांसिंग सॉर्ट ऑफ एक जॉब होती है. इसमें फिक्स आवर्स नहीं होते, कभी भी किसी पीआर का कॉल आ जाता है, कभी भी कोई ब्रांड आपको एडिट्स देने को बोल देता है. सैटरडे संडे भी काफी बार पीआर होते हैं जो खुद फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी अपने जॉब के अपार्ट सैटरडे संडे काम करते हैं, फिर वो आपको कॉल कर देते हैं. सो दिस जॉब इज नेवर एंडिंग. प्लस जो भी आपके कॉमेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम के होते हैं, मुझे वहां पर रिप्लाई करना होता है. सो ये 9 to 6 नहीं है, ये 24/7 की जॉब है. एंड मैं अब कुछ और नहीं कर रही हूँ, मैं इसको फुल टाइम ही ले रही हूँ. एंड टच वुड, आई एम ब्लेस्ड कि मैं फुल टाइम इसके हिसाब से मैं अच्छी इनकम अर्न कर रही हूँ. आई एम अर्निंग इन फैक्ट इक्वल टू माई फेलो इंजीनियर्स. इंजीनियर से याद है, मैं पहले बता देती हूँ मेरी क्वालिफिकेशन. सो मैंने ली थी साइंस अपनी 12th में, साइंस के साथ मैंने लिया था कंप्यूटर साइंस. मैंने C++ पढ़ी हुई है 12th में. जस्ट लाइक दैट, जब आप कंप्यूटर साइंस ले रहे थे आपको इंटरेस्ट आ जाता है कोडिंग में, तो उसके बाद मेरा फिर मन यही था कि मैं कंप्यूटर्स की तरफ जाऊँ. सो मेरे टाइम पे क्या हुआ, मैं जरा आराम से बैठती हूँ बिकॉज मैं चिल करने वाली हूँ आप सबके साथ. सो मेरे टाइम पे 12th में क्या हुआ, मैं 2013 की CBSE पास आउट हूँ. उस टाइम पे कोई नया सा रूल आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि हम एक 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम निकालने वाले हैं, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री थी ना, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस BSc, उसको 4-year कुछ प्रोग्राम बना दिया, 4 साल का बना दिया. एंड फिर मैंने काफ़ी अपने मेंटर से पूछा, सीनियर से पूछा, जो भी गूगल से जितना भी सर्च मैं कर सकी, सब ने कहा कि ये एक सॉर्ट ऑफ BTech जैसी डिग्री बना रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन ये एफिलिएट मतलब वो नहीं होगी, मतलब क्या कहते हैं, एक टर्म होती है कि एफिलेटेड नहीं होगी, इसी कहीं ना कहीं मान्यता नहीं होगी एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग थिंग. सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि यार जब वो नहीं है मेरा, फिर 4 year उसके अंदर वेस्ट भी जाएगा. सो देन आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग. प्लस मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे, 90.25 लाख कर भी कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा था. सो उसके बाद अल्टीमेटली मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया. मैंने GGS IPU का एग्जाम दिया था, जो IP का अपना एग्जाम होता है, तो उसमें मेरी रैंक के हिसाब से मुझे एक कॉलेज मिला. फिर सेकंड लिस्ट आई, उसके बाद मुझे एक कॉलेज मिला जो शास्त्री पार्क समथिंग के वहां पे था, वो भी GGS IPU के अंडर आता है. फिर थर्ड लिस्टिंग आई थी IP की, जो ओपन लिस्टिंग होती है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. आप GGS IPU के मेन वहां पे द्वारका में जाते हो एंड आप वहां जाके अपना फॉर्म फिल करते हो. सो उसमें क्या होता है, सबसे लास्ट वो काउंसलिंग बोलते हैं उसको, ओपन हाउस काउंसलिंग बोलते हैं. सो उसमें कहते हैं जो भी आपकी सीट्स बची होती है ना, पूरे सारे GGS IPU के अंडर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको जहां सीट बची होगी आप वहां पे शिफ्ट कर सकते हो. सो मैं तब गई थी बिकॉज मेरे घर से वो जो शास्त्री पार्क समथिंग वो जो जगह है वो बहुत दूर थी. माय मॉम वाज लाइक, अभी स्कूल के बाद भी स्कूल तक हम ऐसे अपने बच्चे को ऐसे संभाल के रखते हैं ना, कि वैन से खुद छोड़ते हैं, खुद लेके आते हैं, वैन तक भी खुद लेने जाते हैं. तो मेरी मम्मी को बड़ा डर लग रहा था, मुझे लगा चलो मैं वहां पर जाके देखती हूँ. तो वहां पर GTBIT एक कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हरिनगर है, विच इज वेरी क्लोज टू माई हाउस. मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर, तो मेरे घर से वो काफी पास था. तो मैंने उसके लिए वहां पर फिल किया था एंड लकीली मुझे वहां पर मिल गई, लेकिन मुझे वहां पर मिली इवनिंग शिफ्ट. एंड मैंने उस टाइम किसी को कॉल भी नहीं किया, मैंने पूछा भी नहीं, लाइक ठीक है यार 12 से 6 क्या प्रॉब्लम, मेरे घर के पास है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने फिर वहां पे एडमिशन ले लिया. सो मैंने अपनी बीटेक करी है इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम GTBIT, एंड इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन. क्योंकि मैं ना बड़ी नर्ड टाइप की थी, मैं स्कूल तक भी जो पहले जाके बैठ जाता है, अपना होमवर्क पूरा रेडी करके रखता है, सबको पढ़ा रहा होता है, अपना एग्जाम चुपचाप देता है, चीटिंग नहीं करता, मैं बिल्कुल वैसा बच्चा थी स्कूल टाइम में. एंड बड़ी सिंसियर, मतलब मैं किसी घुलती मिलती नहीं थी, मैंने स्कूल में कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया. मेरे पास स्कूल के जितने भी सर्टिफिकेट है ना, वो या तो डिबेट्स के या फिर कोई ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन के, मेरे स्कूल में मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर क्या था. तो 12th तक तो मेरी काफी फुद्दू लाइफ थी. जो भी मुझे कहता है कि आप अपनी स्कूल लाइफ को मिस करते हैं, आई एम लाइक नो, मैं अपनी स्कूल लाइफ को मिस नहीं करती.
थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. सो जो कॉलेज था ना वो एक गेम चेंजर था, बिकॉज इफ यू डोंट नो GTVIT इज अ सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट. मैक्सिम जहाँ पे कोटा है वहाँ पे सिखों का ही होता है. एंड जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे नो कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल सिख पंजाबी. एंड मेरे लिए कल्चर शिफ्ट जैसा था, बिकॉज वहाँ पे आके सो लाइक मैम जब फर्स्ट डे गई मैं ऐसे हो गई थी, मैं घर आके रोई, मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँगी. मतलब एक तो ऑब्वियसली कल्चर शिफ्ट होता है ना, उस टाइम हम इतने रिजर्व थे, मुझे इतनी आदत नहीं थी एक डिफरेंट कल्चर में ऐसे रहने की, तो मुझे उस टाइम एक शॉक लगा था. बट ग्रेजुअली आई अडेप्टेड एंड ओ माई गॉड इतना मजा आना. आई थिंक IP के अंदर आई कैन से आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं उस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, बिकॉज वहाँ से सिर्फ इंजीनियर नहीं निकलते हैं. आप टाइम लाइनर्स की वीडियोज देखो, आप YouTube पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं. देयर इज हर्षदीप आहूजा एज वेल, आप जिनके वाइंस देखते हो वो भी मेरे कॉलेज के ही हैं. सो मैक्सिमम जितने पंजाबीज और फन एंटरटेनमेंट में निकले ना वो मेरे कॉलेज से निकले, बिकॉज हमारे कॉलेज में पढ़ाई पे 50% एंड 50% एक्टिविटीज पे जोर दिया जाता था. सो फर्स्ट ईयर में मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन करी थी जिसमें सारा इवेंट्स मैनेजमेंट का होता था, तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट में किया. फिर मैंने सेकेंड ईयर में डांस का ऑडिशन दिया, एंड वो जो दिन था ना, मतलब आई वॉज लाइक कशिका अब नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाएगी, बिकॉज मेरे अंदर से ना एक एंगर था जो पूरे स्कूल टाइम मेरे अंदर था कि यार मुझे डांसिंग आती है, मैं क्यों नहीं कर रही. तो मैं जस्ट गई, मैंने ऑडिशन दे दिया. स्टिल रिमेंबर मैंने ऑडिशन पे डांस किया था कमली, कमली जो आया था ना, कमली कमली मेरे यार दी. एंड मैं ऑल माय फ्रेंड्स, बिकॉज सेकंड ईयर तक आते हैं तो उनको भी लगा बड़ी रिजर्व्ड सी है, बड़ी सिंपल सी है. जब मैंने डांस किया देखो लाइक तुझे डांस आता है, एंड आई वॉज सिलेक्टेड इंस्टेंटली, मैं सिलेक्ट हो गई थी. एंड दैट वॉज लाइक अ गेम चेंजर. सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग की हमने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में परफॉर्म किया, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो तो हमने परफॉर्म करी है. एंड मेरे टाइम का जो बैच था नाट्यमय डांस सोसाइटी का नाम था, हमने मैक्सिमम विंस जीते हैं. मतलब हम सेकंड आते हैं, थर्ड आते थे, फर्स्ट आए हैं हम लेडी हार्डिंग जो CP में है वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी. और मेरा एक पोज होता था स्टार्टिंग में, जो हम स्टार्ट करते थे मैं ऊपर खड़ी होती थी, एंड आई यूज टू टेक अ डेड फॉल जिसको ब्रिटनी लिफ्ट समथिंग बोलते हैं, बिकॉज ऐसे डेड फॉल होती है, यू जस्ट हैव टू फॉल लाइक दैट. एंड उस पर जो हूटिंग होती थी, मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, बिकॉज वहाँ से मैं खुलनी शुरू हुई. काफ़ी बार मिसहैप होते थे, हम ऐसे वेलक्रो वाली स्कर्ट पहनते थे वो खुल जाती थी, गिर जाती थी. मतलब जब आप ऐसे इवेंट से पार्टिसिपेट करते हो ना, आप डांस करते हो, ड्रामेटिक्स में जाते हो, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको ऐसी जब जाओ कि स्कर्ट खुल जाती है या फिर आपका ऐसे कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है, आपको मैनेज करना आता है कि यार मैं इस टाइम पे कैसे करूं. तो ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये पढ़ाई लिखाई कभी नहीं सिखा सकती. एंड मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, मैं आगे भी अगर मेरे बच्चे होंगे, मैं अपने बच्चों को अगर 50% पढ़ाई में भेजूंगी ना, मैं 50% उनको बोलूंगी कि आप आर्ट्स, डांस, ड्रामेटिक्स कुछ ना कुछ करो, बिकॉज आई थिंक आपकी जो ओवरऑल ग्रूमिंग है ना वो वहां से आती है. और मैंने एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम लगा दिया, बट आई रियली वॉन्टेड यू गाइज क्या मुझे जानो यार, मुझे एक हार्ट टू हार्ट एक Q&A करना था. प्लीज लेट मी नो कि मजा आ रहा है, फिर नहीं आ रहा कॉमेंट से बता देना. सो ये तो थी मेरी जर्नी, मैंने इंजीनियरिंग करी IT में. एंड उसके बाद ऑब्वियसली जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो हमें बैठना होता है. फोर्थ ईयर में मैंने डांस छोड़ दिया था, बिकॉज फोर्थ ईयर आते आते यार सीरियस होना पड़ता है, प्लेसमेंट नहीं मिली तो ऐसे लाना तो रही कि यार 4 साल इंजीनियरिंग करी और प्लेसमेंट नहीं मिली. सो प्लेसमेंट में आते आते मैं बैठी, मैं आउटसाइड दिल्ली की प्लेसमेंट में नहीं बैठी थी, बिकॉज एज माई फैमिलीज दे वर लाइक नहीं यार दिल्ली से बाहर हम नहीं भेजेंगे तेरे को. तो दिल्ली की जितनी कंपनीज थी मैं बैठी, मेरा एक एवरेज कंपनी में हो गया था, मेरा IT कंपनी में हो गया था, और मेरा एक मार्केटिंग कंपनी में भी हो गया था. जो एक स्टार्टअप कंपनी थी, मेरा दोनों कंपनीज में हो गया था. लाइक बहुत रेयर होता है जो आप एक कॉलेज से आप दोनों फील्ड की जॉब ग्रैप कर लेते हो. सो मैंने जो पिकअप करी मार्केटिंग की जॉब ग्रैप करी, बिकॉज फोर्थ ईयर जो इंजीनियरिंग का था ना, थर्ड ईयर समथिंग, उसके बीच में छुट्टियां आती हैं, उसमें मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया. ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक यही तो मुझे करना था, बिकॉज मैं कोडिंग कर रही थी, मुझे कोडिंग ठीक भी लग रही थी, लेकिन मेरा वो नहीं था, मतलब वो फ्लोर चार्ट्स बनते थे, मेरा ना वो कोडिंग वाला दिमाग चलता ही नहीं था. मैं बहुत ज्यादा जब जोर लगाती थी ना तब जाके मुझे चीज समझ आती थी. तो मैं समझ गई थी कि यार कोडिंग मेरा फोर्टे नहीं है, मैं जबरदस्ती कर लूंगी लेकिन मैं एंजॉय नहीं करूंगी. लेकिन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, आई वाज लाइक वाह यार. उसमें हमें डोमेन लेना सिखाया, हमने डोमेन खरीदा, मैंने अपनी वेबसाइट निकाली, मेरी वेबसाइट का नाम था फैश मेक आयल. तो मैंने फैशन, मेकअप, लाइफस्टाइल तीनों वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वेबसाइट बनाई थी. उसमें मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग्स निकाले, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में वो आपको बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ ना कुछ साथ साथ करो, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएंगे. सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO क्या होता है, रैंकिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब कैसे होता है. तो ये सब मैंने सब कुछ सीखा. एंड फोर्थ ईयर वाज मोर लाइक एन आई ओपनर कि हाँ यार शायद मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए. मैंने जो जॉब पिकअप करी, मैंने वो मार्केटिंग की जॉब पिकअप करी, एंड नाउ द स्ट्रगल स्टार्ट्स. अब क्या हुआ, मैं फर्स्ट डे गई, बड़ी एक्साइटमेंट यार, नौकरी है, मजा आएगा, शर्ट वर्ट पहन के प्रॉपर वहाँ पे सबसे मिलवाते हैं. स्टार्टअप थी वो, छोटी सी कंपनी थी, स्टार्टअप कंपनी थी, एंड डिजिटल मार्केटिंग का मेरा था वहाँ पे
एज एन इंटर्न वो रखते हैं पहले एंड देन फुल टाइम आपकी जॉब होती है. सो स्टार्टिंग में मुझे काम मिला कि ये एक पिच बनानी है, आपको पीपीटी बनानी है. मतलब चलो ठीक है बनाई, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीसरे चौथे दिन आते आते ना मेरे रोने निकल गया. आई डोंट नो, मतलब मेरे से नहीं आता, मैं ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ, मुझे नहीं. बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता है बिकॉज इंटर्न थे तो इतना वर्कलोड नहीं था. एंड मतलब देयर वर डेज कि मैं दो दिन वॉशरूम में जाके भी रोई हूँ. एंड जो मेरे लाइफ में बहुत क्लोज है उनको पता होगा मैं उनके सामने ही रोई हूँ कि नहीं यार मेरे से जॉब नहीं हो रही, मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी इंजीनियरिंग वेस्ट कर दी, मैंने क्या किया है, मेरे से नहीं हो रही. फिर मैंने एक और स्टार्टअप ज्वाइन किया जो काफ़ी फेमस है, इनोवेट, एक कोवर्किंग स्पेस है. मैंने उनका मेन ऑफिस ज्वाइन किया था, वहाँ पर मैं दो दिन गई, नहीं हुआ मेरे से. वैसे यार क्या हो रहा है मतलब. एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वाला है कि यार टाइम दे, अगर जब तक तू टाइम नहीं देगी तेरे को नहीं ये चीज़ समझ आएगी, बट मेरे से नहीं हुआ. सो आई वाज लाइक छोड़ो. तो मैंने फिर एक साल का ब्रेक लिया था, ये सब जो चला उसके बाद मैंने एक साल का ब्रेक लिया था. एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं कर लेती हूँ, बिकॉज माय मॉम वाज लाइक कि यार बेटा पढ़ाई अपनी खत्म करके रख ले, आगे जाके सेटल भी होगी. क्योंकि हमारे घर में फाइनेंसिस वाली दिक्कत नहीं है, टच वुड. मेरे घर पर वो नहीं था कि बेटा जॉब कर, पैसे कमा, हमें तेरी सैलरी चाहिए, घर चलाना, ऐसे वाला नहीं था. शी वॉज लाइक कोई नहीं, हम तेरी सैलरी नहीं मांग रहे, तुझे अपनी पढ़ाई खत्म करके रखनी है, तू अपनी पढ़ाई खत्म करके रख. सो मैंने पीजी किया इसके बाद. सो of doing MBA जो रेगुलर वाली होती है, मेरा नहीं मन था, बिकॉज इंजीनियरिंग की बात मैं समझ गई थी डिग्री नहीं मैटर करती, बिकॉज इंजीनियरिंग से ज्यादा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान मुझे काम आया. सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार डिग्री तो इतनी मैटर ही नहीं करती, तो मैं एक MBA वाली रेगुलर डिग्री क्यों पकड़ू, मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ लेती हूँ ना जो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. तो वो जो था ना इंजीनियरिंग का, जो मैंने एक साल का ब्रेक लिया था, मैंने तब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था. सो एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपने यूट्यूब स्टार्टिंग में अपनी जॉब के अपार्ट कैसे किया, या ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं समझा देती हूँ. मैंने उस टाइम जॉब नहीं करी थी, जॉब छोड़ने के बाद ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, बिकॉज वो एक साल का टाइम मुझे नहीं समझ आ रहा था. और तब मेरा ब्लॉग था, मैंने जो ब्लॉग लिया था ना वो मैं लिखती थी, एंड लिखने मुझे इतना मजा नहीं आता. माय फ्रेंड्स वाले बोलती तो अच्छा है, कैमरा निकाल बोलना शुरू कर. सो मैंने रैंडमली एक वीडियो बनाई, बेस्ट एलोवेरा जेल इन इंडिया, वो ठीक ठाक चली. फिर मैंने वीडियोज बनाती गई बनाती गई बनाती गई. तो वो एक साल का ब्रेक में तो मैंने कॉन्टेंट बनाया, आई थिंक मैं 10,000 या 15,000 सब्सक्राइबर पे शायद पहुंच गई थी. एंड एक साल बाद मैंने YMCA जो दिल्ली में है, CP में बंगला साहिब के पीछे है, मैंने से किया पोस्ट ग्रेजुएशन इन PR एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. सो इट्स अ डेडिकेटेड सब्जेक्ट, इसमें आपको ऑफलाइन पार्ट पढ़ाया जाता है. मैंने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा ऑनलाइन, और मैंने इस कोर्स के थ्रू पढ़ा ऑफलाइन जो PR होते हैं, जो PR इवेंट्स होते हैं, PR जो भी चीजें होती हैं, देन एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, उसके अंदर मैंने सारा ऑफलाइन कंसेप्ट पढ़ा. एंड वहां पर जितनी फैकल्टी थी ना, दे आर ऑल वेरी ओल्ड, तो बहुत पुराने के हिसाब से वो जो पहले से चलता आ रहा है ना प्रिमिटिव मार्केटिंग, न्यूज पेपर, एड्स, उन्होंने वो इतना ब्यूटिफुली पढ़ाया ना, तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स होकर जो मेरा ज्ञान भर गया ना मार्केटिंग का, वो एक्सट्रीम था. सो जो एक साल का पीजी का कोर्स था, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा थी, PGD डिप्लोमा जो होता है वो एक साल का होता है. सो एक साल मैंने हसल करना शुरू किया. सो मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला CP में, एक स्किल सर्कल करके था इंस्टीट्यूट जो मार्केटिंग पढ़ाता था, वो इवेंट्स करते थे हर हफ्ते. तो मैंने उनको पिच करना शुरू किया, मैं उनके पास गया, वाज लाइक मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इवेंट करना, बिकॉज मैं बोलती अच्छा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पढ़ा सकती हूँ. सो मेरा फर्स्ट उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, माई फर्स्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ, जो मैंने आई गेस 22 साल की उम्र में या 22 की थी मैं, तब मैंने किया. एंड पीपल पेड फॉर इट, दे वर लाइक कि ये पेड होता है, बिकॉज उनको वहाँ पर रेंट निकालना होता है, जो वो स्पेस होती है जहाँ पे वो इवेंट होता है, रेंट उनको देना होता है उस दिन का. सो ऑब्वियसली वो पेड होता है, लेकिन इतने हाई चार्जेस नहीं होते. 150 rupees की समथिंग टिकट थी, एंड ऑब्वियसली कितने लोग आ जाएंगे यार, 150 rupees मुझे कोई क्यों देगा, मतलब मुझे नहीं, मैंने वो फ्री में किया था, बाय द वे कंपनी को कोई 150 rupees देके मुझे क्यों सुनने आएगा. बट आई वॉज शॉक, जो एंट्रीज आई ना उस दिन, उन्होंने बोला हमने पहले बहुत सारे इवेंट्स कराए लेकिन हमारे रूम भी फिल नहीं हुए. मैं यहाँ पे इमेजेस डालने की कोशिश करूंगी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक आ रहा है. उनका पूरा वो जो एरिया था ना सेंटर का, वो फिल हो गया था, पीछे तक लोग खड़े थे, पीछे लोग खड़े भी थे, बैठे भी थे. एंड मैंने पूरी पीपीटी खुद बनाई थी, मैंने उनको एक पहले दिखा दी थी कि ऐसे ऐसे पीपीटी और मैं ऐसे समझाने वाली हूँ. एंड इट वॉज लाइक स्मूथ लाइक बटर. मैं BTS की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल हो गया. एंड लिटरली जब मैं लोगों को समझा रही थी, मेरे फ्रेंड्स भी आए थे, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स उस दिन आए थे, एंड दे वर लाइक यार हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तू इतना अच्छा बोल जाएगी. वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट आप बोल सकते हो. एंड आफ्टर दैट उसी कंपनी ने मुझे हायर कर लिया एज अ गेस्ट लेक्चरर. सो उसके बाद मैंने हर एक बैच को मैं एक गेस्ट लेक्चर देती थी ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में ये भी एक सब्जेक्ट आ गया है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्लॉगर बनना है, या फिर आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है. तो एक साल तक तो मैंने अपनी जब PG भी करी, थोड़ी बहुत मेरी PG हो गई थी, या एक महीने की मेरी PG मतलब खत्म हो गई थी, उसके बाद मैंने गेस्ट
लेक्चर्स दिए, यूट्यूब किया, तो यूट्यूब करती थी, गेस्ट लेक्चर्स देने जाती थी एंड उसके बाद आ गया कोविड. अब कोविड आ गया तो ऑब्वियसली ये सारे इंस्टीट्यूट हो गए बंद एंड ऑनलाइन मैंने इतना एक क्लास ली थी, मुझे मजा नहीं आया. मतलब मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं यार मुझे नहीं मजा आ रहा, बिकॉज साइड में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, जूम कॉल पर इतना हसल हो रहा है, लाइक नहीं मेरे से नहीं हो रहा. सो उसके बाद मैंने फुल टाइम यूट्यूब पर फोकस किया एंड जब से ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है मैं तब से फुल टाइम यूट्यूब कर रही हूँ. मैंने एक क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर दे दिया. आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइज कि आप मेरी जर्नी को समझो, तभी आप मेरा जो फ्यूचर में कुछ होगा ना उसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सम टिप्स टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट द चैनल मोनेटाइज, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब फॉर अ बिगिनर, होप यू विल आंसर. देखो टिप्स कुछ नहीं होती, बस शुरू करो, बिकॉज आपकी जर्नी ही आपको सिखाती है. आपकी जो अपनी जर्नी होती है ना वो सबसे बड़ा लेसन होती है. आप कोई और आके आपको ज्ञान दे जाए, मैं आपको कितना ही पढ़ा दूं ऐसा करो फ्रेम ऐसा सेट करो वो करो, नहीं होगा जब तक आप खुद अपना स्टार्ट नहीं करोगे ना. और आपको इवेंचुअली आपको हर एक वीडियो में गलती पता चलेगी. लाइक ट्रस्ट मी, मुझे कितने साल हो गए, 2.5 या 3 साल हो चुके हैं, आज भी मेरी कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होती. मेरी हर एक वीडियो में गलती मैं निकाल ही देती हूँ, यार ये फ्रेम ऐसा नहीं है, यार ये आई मेकअप ऐसा हो गया, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बाल यहाँ से निकले हुए हैं. सो परफेक्शन, जब आप परफेक्शन अपना लाने के चक्कर में ना जो आप हार्डवर्क करते हो ना वही आपको सिखाता है. तो आपको कोई रैंडम बंदा आके टिप्स कितने भी दे दे वो नहीं चलेगा. मोनेटाइज की देखो जहां तक बात आती है, जो मोनेटाइजेशन का रूल है उसके लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम. आई एम नॉट श्योर अब अपडेट आया नहीं आया, लेकिन अभी तक तो यही चल रहा था. 1000 आपके सब्सक्राइबर हो गए, 4000 मिनट आवर्स का वॉच टाइम. सो अगर आप 6 × 4 = 24, 240000 मिनट लोगों को आपकी वीडियो को देखना पड़ेगा. इन दोनों रूल्स के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा. और आपको एडसेंस का अपना अकाउंट बनाना होता है और फिर वहां पे आपकी मनी आनी शुरू हो जाती है. किसी ने बहुत सारे फनी इमोजीज बना के लिखा है, कशिका यू शुड रियली रिवील योर यूट्यूब इनकम. एंड देखो मैं बहुत अगेंस्ट टू रिवीलिंग योर इनकम, आई नो काफी यूट्यूबर्स करते हैं बट मुझे नहीं अच्छा लगता. देखो अगर आपको नहीं पता, $100 तो थ्रेशोल्ड होता है, तो अगर फर्स्ट इनकम आप पूछोगे तो सबकी सेम ही होगी. तो ये थंबनेल बनाना बंद कर दो, माय फर्स्ट यूट्यूब इनकम, या जितना थ्रेशोल्ड मारोगे फर्स्ट बारी में $100 उतना ही तो आएगा या फिर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा. बट करंटली आई कांट शेयर, मुझे नहीं अच्छा लगता बिकॉज ये फ्लक्चुएटिंग है, इट्स नॉट अ फिक्स सैलरी कि हर महीने इतना मिलेगा ही मिलेगा. मेरे व्यूज के हिसाब से मेरे चैनल पे कितने एड्स चलते हैं, और अब कोविड की सिचुएशन अगर लॉकडाउन हो गया बहुत सारी ब्रांड्स शट हो जाती हैं, एज इन वो मार्केटिंग अपनी रोक देती है, बंद नहीं होती मार्केटिंग रोक देती है, तो एड्स कम आते हैं. सो सबसे हमारे व्यूज वो एड्स का रेट कम हो जाता है, पैसे कम आते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी फ्लक्चुएटिंग. तो इसको अगर मैं रिवील भी अभी कर दूं ना कि मैं आपको बता दूं मैं अभी XYZ कमा रही हूं, मैं नेक्स्ट मंथ शायद इतना नहीं कमाऊंगी. एंड आई पर्सनली फील ये बहुत प्राइवेसी में ब्रीच है. लाइक मैं ऐसे किसी रैंडम बंदे से नहीं पूछती तेरा इन हैंड कितने हैं, तेरे सैलरी कितनी आती है, तेरे को महीने का कितना देते हैं, तेरा CPC कितना है, ऐसा नहीं होता. बिकॉज आई थिंक सम थिंग्स शुड हैव टू बी पर्सनल. किसी ने पूछा है व्हाट्स योर व्यूज ऑन स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन एंड डिवोशन. आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इट. ये सीमा चौधरी ने मेरे से पूछा है, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सो इफ यू डोंट नो, माई मदर फॉलोज अ गुरु. माई मदर इज राधा स्वामी बेसिकली, एंड जो राधा स्वामी में होते हैं वो मेडिटेट करते हैं, सिमरन ध्यान उनको बोला जाता है. एंड मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, अगर आपको नहीं पता, मी एंड माई मॉम शेयर अ रूम. ऑल दो मेरे घर में रूम्स हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मेरा मन नहीं अलग कहीं शिफ्ट होने का. मेरे फादर की डेथ के बाद आई फील लाइक आई हैव टू बी वेरी क्लोज टू माई मॉम. एंड आगे शादी हो जाएगी, चले जाएंगे, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी मैं जितना उनके साथ रह सकती हूँ मैं उतना रहूंगी. इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, आई डेफिनेटली बिलीव इन इट. मैं काफी स्पिरिचुअल हूँ. आई थिंक दैट इज अ रीजन वाई मैं बहुत जल्दी किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन को या फिर किसी का भी, मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना, आई कैन लिटरली सेंस द वाइब्रेशन, बिकॉज मेरे अंदर का जो एक स्पिरिचुअलिटी लेवल है ना वो काफी हाई है. मुझे बचपन से मेरी मदर ने स्पिरिचुअल चीजों में रखा है, पूजा पाठ ये सब, नवरात्र व्रत जो भी होता है मैं सब कुछ बहुत मानती हूँ. मैं जब खाली होती हूँ मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ. सो मैं स्पिरिचुअल काफी हूँ. एंड आई ट्रूली बिलीव इट कि आप जब अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे डालते हो ना, एक सेंस ऑफ उसके अंदर एक पेशेंस आता है. व्हाई यू डोंट स्टार्ट डेली व्लॉगिंग, आई जस्ट लव द वे यू टॉक, लॉट्स ऑफ लव दी. सो आज बेसिकली मैं एक व्लॉग स्टाइल वीडियो ही बना रही हूँ. डेली व्लॉग मैं अभी क्यों नहीं बना रही, रीजन नंबर वन, अभी कोविड का बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं इतना ज्यादा स्टेप आउट भी नहीं करती. बीच में एक थोड़ा सा टाइम आता है जब थोड़ा लॉकडाउन कम हो जाते हैं, लोग ज्यादा निकलते हैं, और तब मुझे लगता है कि यार मुझे इंजॉय करना है. जैसे मैं अभी ताज गई थी अक्टूबर नवंबर में, मेरी फर्स्ट ट्रिप आफ्टर ईयर आई गेस वैष्णो देवी के बाद मैं ताजमहल गई थी विद माई बेस्ट फ्रेंड्स. आई वाज लाइक मुझे इंजॉय करना है, मुझे जस्ट फॉर सेक ऑफ कंटेंट, बिकॉज आप शूट भी करते हो ना आपके दिमाग में चलता है कंटेंट बनाना है कंटेंट बनाना है. नहीं, मुझे अभी लगता है मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करना है. सेकंड, यस देयर इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मैंने अभी रिवील नहीं करी है, मैं अभी नहीं रिवील करना चाहती बिकॉज मैं फिर हाफ हाफ व्लॉग बनाऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा. मैं ऐसे ऐसे शूट कर रही हूँ, काफी चीजें मैं नहीं दिखाऊंगी. सो मेरा ना लाइफ में एक स्ट्रैटेजी है, आइदर इट्स ब्लैक और व्हाइट, देयर इज नो ग्रे. या तो ब्लैक रहो या फिर व्हाइट,
रहा हूँ, या तो पूरा दिखाओ या फिर मत दिखाओ, मुझे ऐसे बीच में ऑडियंस को रखना नहीं पसंद की नहीं, मतलब वो हरकतें मेरे से नहीं होती। मैं जिस दिन कुछ रिवील करूंगी मैं फुल कॉन्फिडेंस से रिवील करूंगी आप सबके लिए। सो देयर इज अ रीजन व्हाई मैं अभी काफी चीजें व्लॉग नहीं करती, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट प्राइवेट। पूछा वन वर्स्ट थिंग हैपेंड इन योर लाइफ जिससे सोचते हो गए आप कि वो आपके दिन से कैसे निकले, उस टाइम लगता होगा कि ये प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा मर ही जाएं। ओके, काफी स्ट्रांग इमोशन है कि मर ही जाएं, बट या ऐसा फील होता है जब आप काफी सिचुएशन होती है लाइफ में जो आपको लगता है कि यार नहीं यार ये क्यों देखा। ऑब्वियसली मैंने वो सिचुएशन देखी हुई है इन टर्म्स ऑफ फैमिली, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिली डेथ, और ऐसा भी नहीं कि मैंने गैप में देखी है। लिटरली ये चीज मैंने पहले बताई हुई है, आई गेस आई हैव सीन 3 डेथ्स इन माय फैमिली एंड दोज वर लाइक बैक टू बैक डेथ, और वो भी ऐसे टाइम पे थी जब मेरे 12th के बोर्ड्स थे। आई लॉस्ट माय एल्डर ब्रदर, आई लॉस्ट माय फादर, आई लॉस्ट माय मैटरनल ग्रैंडफादर व्हिच इज नाना, एंड तीनों की डेथ जो हुई थी वो मेरे 12th बोर्ड्स के टाइम में हुई थी। एक की प्रैक्टिकल का टाइम, एक की मेरे फिजिक्स 12th बोर्ड्स के 2 दिन पहले फादर की डेथ, एंड मैथ्स के 12 बोर्ड से 3 या 4 दिन पहले मेरे नाना की डेथ हुई थी। सो या आई थिंक दैट फेज वाज वेरी, मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हर मोमेंट ऐसा लगता था कि अब कुछ और तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज मैंने आई बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी अर्थी भी नहीं देखी है उस टाइम तक, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इतनी डेथ्स ऐसे देखी ना, लाइक ये हो क्या रहा है, मेरा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। प्लस ऑब्वियसली यार 12th के बोर्ड है, मतलब सब बोलते हैं कि 12th का जो बोर्ड होता है वो लाइफ चेंजिंग होता है, वो रिजल्ट डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, तो वो प्रेशर तो बिल्कुल अलग था। मतलब मैंने जो बोर्ड्स दिए ना, ऐसे आंसू टप टप गिर रहे होते थे और मैं शीट पर लिख रही होती थी, एंड आई डोंट नो, मैं अभी भी कहती हूँ आई थिंक वो ब्लेसिंग था। मैं लिटरली मैं गॉड में या फिर कहीं ना कहीं हायर पावर में मानती हूँ, बिकॉज मेरे कुछ कुछ एग्जाम सही में अच्छे नहीं गए। लाइक फिजिक्स का एग्जाम तो मेरा इतना गंदा गया था, आई रियली डोंट नो कि मैंने 85 कैसे स्कोर कर लिया। मैंने ऑल दो सारी पढ़ाई पहले करके रखी हुई थी, कोचिंग मैंने सब ज्वाइन किए हुए थे, तो मेरे कंसेप्ट काफी क्लियर थे, बट रिजल्ट वॉज ट्रूली मैजिकल। मतलब मेरी फैमिली वॉज लाइक ठीक है यार बेटा रिजल्ट, मेरा बर्थडे वाले दिन आया था, अगर आपको नहीं पता 27 मई को मेरा रिजल्ट आया था 12th बोर्ड्स का। आई नो काफी बड़ा कोइंसिडेंस है, और मैं सोई नहीं थी पूरी रात, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता था कि यार मैं क्या करके आई हूँ। मैं पूरी कोशिश करी मैं चीज़ों को ठीक से आंसर करूँ, शीट्स अच्छे से लिखूँ, राइटिंग वाइटिंग सब सीख ठीक रहे, बट माई फैमिली वॉज लाइक कोई नहीं बेटा अगर कंपार्टमेंट आती है फेल हो जाते हो कोई नहीं, वील सी टू इट, अगर मार्क्स कम आते हैं तो हम डोनेशन दे के जो भी एडमिशन ऑल होता है वो कर सकते हैं, बट जब रिजल्ट आया मतलब 90.25 आई थिंक मेरी फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में अभी तक मैं ही टॉप स्कोरर हूँ अपनी फैमिली में, किसी ने उससे ऊपर टॉप स्कोर नहीं किया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। तो वो फेज था कि लगता था कि यार ये क्या हो रहा है अपनी लाइफ में, बट आई थिंक कभी भी कहते हैं लाइफ में कुछ बुरा होता है ना तो आपको बहुत बड़ा कुछ सिखा के जाता है, एंड आफ्टर दैट आई एम सो स्ट्रॉन्ग। मतलब इमोशनली मेंटली फाइनेंशियली तो अब हुई हूँ, लेकिन इमोशनली मेंटली मैं इतना कह सकती हूँ मैं उसी फेस की वजह से स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, और अब ऐसा लगता है मैं लाइफ में कुछ भी फेस कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि लाइफ में कुछ भी बुरा होता है ना कुछ अच्छा ही सिखा के जाता है। सो या किसी ने पूछा यू हैव अ बॉयफ्रेंड बट यू हाइड विद अस, मेरी राधे ने पूछा है हमसे, बट ठीक है क्यों बताऊं मैं, मेरे को नहीं बताना भी, मुझे बताने मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं तुम्हें कंफ्यूजन में रखूंगी, अब तुम सोचते जाओ, नीचे कमेंट करते जाओ, बेटिंग करो मेरे ऊपर बॉयफ्रेंड है नहीं है, बिकॉज मैं अभी इसका आंसर नहीं करने वाली। आईफोन खरीदने के बाद आपकी सेविंग अभी है या फिर खत्म हो गई? अरे यार आईफोन खरीदे मुझे 1 साल हो चुका है, लास्ट ईयर मार्च में लिया था, मार्च दोबारा आने वाला है, एंड आई एम नॉट समवन जो कि अकाउंट में 10 रुपए होते हैं 9 रुपए उड़ा देते हैं, आई एम अ वेरी कैलकुलेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन। मैंने इतनी सेविंग्स इतनी इनकम करके रखी थी कि हाँ मेरे को उस टाइम पता है कि अब मैं कॉन्फिडेंटली ले सकती हूँ और मैं लॉस में नहीं जाऊंगी, फिर ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ब्रोक हो गई, मैं सेविंग्स बहुत अच्छे से करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लग्जरी फॉर मी, काफी लोगों ने उस टाइम बोला था यू आर बाइंग एन आईफोन क्यों लिया, बेसिक सा फोन ले लेते। देखो मेरे लिए नेसेसिटी है, मैं कॉन्टेंट शूट करती हूँ, मैं इस फोन से सारी स्टोरी शूट करती हूँ, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम क्या आ रही थी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं वन प्लस था मेरे पास, एंड वन प्लस पे जब मैं रील्स अपलोड करती थी ना उसका टेक्स्ट खिंचता था, ऐसे स्ट्रेच हो रहा था, अजीब सा ट्रांजिशन अजीब से आ रहे थे, मतलब वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, और वो सबने ये बोला कि ये iOS में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये मैंने फेस भी किया है। मेरी iOS में जब मैं रील्स अपलोड करती हूँ शूट करती हूँ वो ज़्यादा स्मूदर बनती है, जूम इन जूम आउट बहुत स्मूद होता है, टेक्स्ट बहुत क्लियर आता है। तो मेरे लिए आईफोन लेना लग्जरी नहीं थी, ये नेसेसिटी थी, ये मेरा एक डिवाइस है जिससे मैं कॉन्टेंट शूट करती हूँ, और अब 1 साल होने वाला है मैंने इसके पैसे पूरे वसूल कर दिए। आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इससे मैंने जो कॉन्टेंट शूट करके कमाया है वो
कहीं ना कहीं मैंने वापस अपना सेव दोबारा ले ही लिया है. सो दिस इज नॉट अ लग्जरी फॉर मी. अगर कोई रैंडम बंदा जो फीड पे एक दो फोटोज डालता हो वो खाली शो ऑफ के लिए आईफोन ले रहा हो तो उसके लिए वो लग्जरी हो सकता है. मेरे लिए ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है. नेक्स्ट किसी ने पूछा है, अ मूवी सीन दैट यू विश टू रिक्रिएट इन योर लाइफ. अ मूवी सीन दैट आई वुड विश टू रिक्रिएट. आई थिंक अभी तो दिमाग में मेरा वही वाला सीन आ रहा है, ये जवानी है दीवानी में जब बनी ऊपर जाता है विद नैना. मतलब नैना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है. वो कहीं कश्मीर दिखाया, आई थिंक गुलमार्ग दिखाया, आई एम रियली नॉट श्योर. वैसे अकेले कहीं हाइकिंग पे चले जाते हैं रात को, जो कहते हैं रिस्की जगह होती है. मतलब आई थिंक आई रियली वांट टू रिलिव दैट मोमेंट. कि एक तो मुझे स्नो देखनी है, मैंने अब तक स्नोफॉल ही देखी, तो मुझे बोला जो पूरा मोमेंट होता है ना मुझे इतना सही लगा. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द सीन जिसकी वजह से मैं मूवी देखती हूँ. और फिर वो अपनी एल्बम ऐसे खोल के दिखाता है कि ये मेरे विशेज हैं, गोल्स हैं. इट्स लाइक होल सरेन इन्वायरमेंट, बिल्कुल शांति है, रात का सन्नाटा. आई लव इट. आई थिंक दैट सीन आई वुड लव टू रिक्रिएट. किसी ने पूछा एनी न्यू रिश्ता फॉर दिस फॉर यू. एक दो तो आ ही गए होंगे. अरे अभी तो साल शुरू हुआ है और साल शुरू होते ही नई कोविड की बीमारी आ गई है, तो हम सब दोबारा घर बैठ गए. और जब ऐसे इवेंट्स ना अटेंड करूँ ना तो कोई रिश्ते नहीं आते. वैसे बीच में शादियों में जाने लग गए थे ना, तो फिर किसी को दिखता है तो उनको लगता है इसकी शादी नहीं हुई, चलो रिश्ते इसके ऊपर फायर करते हैं. सो अभी तक कोई रिश्ता मेरे लिए नहीं आ रहा है. फ्यूचर में आएगा तो मैं बताऊंगी. बट हाँ, प्रीवियस मेरी एक स्टोरी रही है बहुत बढ़िया रिश्ते वाली. डेफिनेटली मैं पूरा पॉडकास्ट बना सकती हूँ. मेरी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्सनल थिंग एंड आई विल रिवील इट वंस I'm sure about it. Next किसे पूछा, how do you manage your stress and what are you doing when you are having a bad day? I am very bad in managing stress. मतलब अभी भी मैं दो वीडियो शूट कर रही हूँ. मैं एक वीडियो के अंदर वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक और कंसेप्ट का शूट करना था. एंड अभी मैं स्ट्रेस में हूँ. बट कैन यू सी मैं स्ट्रेस में हूँ? नहीं, बिकॉज मैं इतना शो कर लेती हूँ कि मैं अपना स्ट्रेस कहीं ना कहीं दबा लेती हूँ, विच इज अ वेरी बैड थिंग. ऐसा नहीं करना चाहिए. बट हाँ, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ आई थिंक आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. आई हैव गुड फ्रेंड्स. आई थिंक लाइफ में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी होता है. एक बहुत अच्छी कहावत है, उसमें बोला था कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ. एंड इट इज एक्चुअली वेरी ट्रू. व्हेन यू हैव गुड बंच ऑफ पीपल अराउंड यू, आप उनके साथ बैठोगे, चिल करोगे, बातें करोगे, यू फील सो सो स्ट्रेस फ्री. बिकॉज लाइफ में कोई भी एक्टिविटी इतना स्ट्रेस फ्री फील नहीं कराती जितना आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंजॉय करते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉक में ऊपर चली जाती हूँ, पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, ईयरफोन्स लगाए ब्लूटूथ वाले कोई पॉडकास्ट चला लेती हूँ एंड आई जस्ट लिसन टू इट, ताकि मेरा जो स्ट्रेसिंग मेरे को जो चीज दे रही है ना वो ना दे, मैं कहीं ना कहीं वहां से फोकस अपना हटा लेती हूँ. सुकृति महाजन ने पूछा है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस योर पेरेंट्स नॉट टू मैरी नाउ. ओके, देखो ऐसा कभी डिस्कशन तो होता नहीं है बैठ के कि नहीं नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी. ऐसा कोई डिस्कशन कभी नहीं होता. इंडियन फैमिलीज में जो चीजें होती है ना वो ऐसे इनडायरेक्ट वे में होती है. बट येस, इन माई केस इट वॉज डेफिनेटली माई करियर एंड माई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. देखो जब भी आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे ना कि आप हार्ड वर्क करो, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एकदम मेहनत करो सुबह से शाम तक. माई मदर सी मी वर्किंग ऑल द टाइम. मतलब मैं कभी भी ऐसे रेस्ट नहीं कर रही होती बैठ के कि मैं बस वेली बैठी हूँ. उस टाइम पे भी मैं आप सबके कमेंट्स का इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ. आई एम ऑलवेज वर्किंग हार्ड, प्लस आई एम अर्निंग गुड फाइनेंशियली एज वेल, टच वुड. सो कहीं ना कहीं जब फैमिली आपको देखती है ना कि हाँ ये गोल ओरिएंटेड हो गई है, इसने अपने कुछ गोल सेट किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो होता है ना वो अपने आप कम हो जाता है. दे फील लाइक ठीक है, आपको जब अपने गोल्स पूरे होंगे आप तब आपके खुद भी बता सकते हो. सो अभी वो वैसा वाला सीन नहीं है कि ऐसे बिल्कुल सर पे प्रेशर है करो करो. बट ऑब्वियसली यार कहीं ना कहीं एक होता है एज के बाद आई विल बी टचिंग 27 दिस ईयर, विच इज मोर लाइक अ डेडलाइन इन इंडियन फैमिलीज की बेटा तब तक तो हो ही जानी चाहिए. और जब थोड़ा सा प्लान होना शुरू होता है, फिर जब प्रेशर आना शुरू होता है, बिकॉज जब इवेंट्स अटेंड करते हैं, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तब ज्यादा होता है. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक अपनी फैमिली ज्यादा, जितनी एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना उनको ज्यादा चुल होती है पिन करने की, पोक करने की, क्या है अपडेट दो, क्या नहीं है, इसने देखा तो नहीं हुआ, हम इसके लिए देखे क्या, हम भेजे क्या, तो ये बहुत ज्यादा होता है. सो जब कोविड आता है ना, ऐसा लॉकडाउन हो जाता है, सब स्टे होम में बैठे होते हैं, तो फिर वो अपने आप ही खत्म हो जाता है. बिकॉज अपने घर वालों को पता है अपना क्या है एंड दे आर नॉट दैट कि बिल्कुल करो करो, ऐसे वाला कोई सीन नहीं है. सो या दैट्स द होल सिचुएशन एट माय होम. आपके घर में क्या सिचुएशन है वो जरा मुझे बताना. आई वुड लव टू हियर योर मैरिज एंड रिश्ता स्टोरीज. सो अपनी भी स्टोरीज जरा नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, मुझे बड़ा मजा आता है आप सबकी स्टोरीज सुनने में. सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्यू एंड ए. बाकी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है और काफी लोगों ने तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ही पूछ लिया. मैंने स्पेसिफिकली बोला था प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रही हूँ इस बार, मेरे बारे में पूछो, मेरे से पूछो, गेट टू नो मी टैग है. बट अल्टीमेटली मेरा काम ही रिव्यू करने का, तो मेरी ऑडियंस ही मैक्सिमम मेरे से रिव्यूज ही मांगती रहती है. डू लेट मी नो आपको ऐसे क्यू एंड ए अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते, या फिर फ्यूचर मुझे कुछ करने चाहिए. अगर कोई और सवाल है जो मुझे फ्यूचर में करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्यू एंड ए कशिका ज्ञान, डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए. आई डेफिनेटली मेक वन फॉर यू. आई वुड लव टू क्रिएट सम नाइस कॉन्टेंट फॉर यू गाइज एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कहीं ना कुछ सीखने को तो नहीं, एंटरटेन तो हुई होगी, बट अगर कुछ इंस्पायर होने को मिला मेरी जर्नी से आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी. अगर एक बंदा भी अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाता ना मेरे
मेरे कॉन्टेंट से तो मेरा काम हो चुका है. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. अगर नए आए हो, मुझे फर्स्ट टाइम जान रहे हो यहाँ पे, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो. बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.